हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने सेकंड लॉ पढ़ा था ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब इस क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो एग्जांपल 9.1 देखते हैं, क्या है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। सो एक 5 kg मास की कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो हम मास की वैल्यू लिखते हैं, एम इज इक्वल टू 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जब ये फोर्स 2 सेकेंड के लिए बॉडी पर लगा, तो इसने क्या किया, इसकी स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दिया। तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इंक्रीज हो गई। पहले इनिशियल स्पीड कितना थी, 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनल स्पीड कितना हो गई, वी वी बिकम्स 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जो अप्लाइड फोर्स लगा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो हम लोग जानते हैं फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सो एम की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू, वी की वैल्यू क्या होगी, 7 - 3 / टाइम कितना, 2। सो आंसर क्या हो जाएगा, 7 - 3 = 4 / 2, 2, और 5 * 2 क्या हो जाएगा, 10, 10 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फोर्स 10 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर टी को मैंने क्या कर दिया, 5 सेकेंड कर दिया, टी को मैंने अगर क्या कर दिया, 5 सेकेंड कर दिया, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। सो हम क्या लेके चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हम लेके चलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड। देन एफ की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 न्यूटन, वही फोर्स है, ड्यूरेशन चेंज कर दिया गया। सो क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पे पुट करेंगे। सो एम की जगह पर क्या होगा भाई, एम की जगह पर होगा 5 * वी की जगह पर हमको निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू कितना, 3 / ड्यूरेशन कितना हो गया, ड्यूरेशन हो गया 5 सेकेंड। सो इधर 10, सो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इम्प्लाई दैट वी माइनस 3 इज इक्वल टू 10, सो वी इज इक्वल टू 10 + 3, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वी इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 9.2। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर मास की वैल्यू क्या है, 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, m into a is equal to 5 * 2, 10 न्यूटन। ओके, सो ये फर्स्ट सिचुएशन थी। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या है, मास कितना दे रखा है, 4 kg, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स विल बी f इज इक्वल टू m a, m into a दैट इज इक्वल टू 4 * 2, 8 न्यूटन। सो दिस इज f2 एंड दिस इज f1, सो व्हिच फोर्स इज ग्रेटर, F1 is greater than 2, ठीक है ना, 10 is greater than 8, so first force is greater than the second force. Moving to the third problem, so what is example 9.3, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour, velocity is what, 108 km per hour, ठीक है ना, this is initial velocity u, this is initial velocity u. इनिशियल वेलोसिटी u इज व्हाट, u इज 108 किलोमीटर पर आवर। सो इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, 108 इनटू 5 बाय, सो व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ कन्वर्जन, 1000 किलोमीटर, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, 2020 गेट्स कैंसिल आउट,
if we cancel it by 2, 2 5 is 10 and 2 18 is 36. So what will be the factor? 5 by 18. So to convert kilometer per hour into meter per second, we multiply it by 5 by 18. So 18 on the 18, 18 6 is 108. So 6 into 5 what? 30 meter per second. So this is the velocity of 30 meter per second. This is initial velocity u. Okay. So a motor car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour or 30 meter per second, and it takes 4 seconds to stop. So what is time? Time is equal to 4 seconds. To stop, stop means the final velocity hai, wo kitna hai? Wo 0 hai. Final velocity v is equal to 0 meter per second. After the brakes are applied, calculate the force exerted by the brakes on the motor car of its mass along with the passengers each 1000 kilometer. So what is the mass of the motor car? As m is equal to 1000 kg. Okay, so this is mass. So what we have to calculate? We have to calculate the force exerted by brakes. So this is the motor car. If we brake, if the brakes are applied, then the brakes exerts force in opposite direction to stop the car. Okay, so this force we have to calculate. So F is equal to mass into acceleration. So what is mass? 1000 kg into acceleration is what? Acceleration is V minus U divided by T. So 1000 kg into V 0 minus U 30 divided by time is 4. This is 7.5. So if you multiply it by multiply by 1000, then what will be the answer? Minus 7500 newton. So this is the force. F is equal to minus 7500 newton. Okay, so see the example 9.4. a force of 5 newton, force is equal to 5 newton, gives a mass m1. So there is mass m1 and acceleration of 10 meter per second. So this force gives an acceleration of 10 meter per second square to a mass m1. Okay, and to a mass m2 it gives acceleration of 20 meter per second square. So there is a force, and this force of 5 newton gives mass m1 with the acceleration 10 meter per second square, and to mass m2 it gives 20 meter per second square of acceleration. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Agar dono ke dono masses ek saath ho jaye, theek hai na, then what will be the acceleration of the combined mass? So first we calculate the individual acceleration. So what is the acceleration? Acceleration a1 is 10 meter per second square, and f1 is what? 5 newton. Then what will be the m1? M1 will be f1 divided by a1. So this is 5 divided by 10. So what will be the value? 0.50 kg. This is mass m1. Okay, now for mass m2 we have to divide force by acceleration a2. So force is what? 5 newton. Acceleration a2 is what? 20. So this will be 0.25 kg. So this is mass m2. Now what will be the combined mass? The combined mass will be m is equal to m1 plus m2. So what is m1? M1 is 0.50 kg plus m2 is 0.25 kg. Okay, so combined mass will be 0.75 kg. Acceleration would give what acceleration? So we have to calculate acceleration. Acceleration is equal to force upon mass. So what is force? Force is 5 newton divided by mass is what? 0.75 kg. So if we divide it, this is equal to 100 divided by 15. So 6.67 meter per second square is the exact answer. Okay, so 6.67 meter per second square is
the acceleration of combined mass. Now we have to move. Now taking the last problem, that is example number 9.5. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure 9.8. Suppose we have a long table, right, like this. Okay, so we have a long table like this. Then a ball is traveling on the floor of the table. Okay, ball having weight mass 20 gram and it is traveling in straight line on a long table. So its velocity time graph is given. Here is velocity and here is time. So velocity time graph gives acceleration. Acceleration is what? The slope of the curve. So we can easily observe that the slope is negative. Okay, slope is negative. So what is slope? Slope will be perpendicular by base. This is perpendicular and this is base. What is perpendicular? 20 centimeter per second. Okay, so 20 centimeter per second divided by what? Divided by base. Base means time in second. So what is base? Base is 10. So this will be minus 2 centimeter per second square. Okay, minus 2 centimeter per second square. So if we convert it into meter per second square, then it will be minus 0.002 10 to the power minus 2 0 2 okay 0.02 meter per second square. Now we have to calculate how much force does the table exert on the ball. So what will be the force? Force will be mass into acceleration. So mass is what? 20 gram. If we convert it into kg, then what we have to multiply? 10 to the power minus 3. Okay, and this is mass and this is acceleration. A is equal to minus 0.02 meter per second square. Okay, this is kg. So after multiplying these two numbers, we obtain 2 to the 4. Okay, so here is 10. So this will be 0.4 into 10 to the power minus 3 plus into minus will be minus. So the answer will be minus 0.0004 Newton. Okay, so this is the answer. This decimal gets shifted in the left side by 3 digit. Okay, so the answer will be minus 0.0004 Newton. So these are the questions which was based on. So ये कुछ questions थे जो कि Newton's second law पे based थे जो हम लोगों ने अभी करे, ठीक है. इसी तरीके के से आपकी exercise में problems हैं, ठीक है. Exercise में problems को आप ढूंढ के करें, देखें जो भी इस type के questions होंगे, maximum question होंगे आपकी exercise में, ठीक है. So आप उन सब को solve करने की कोशिश करें, ठीक है. हम लोग next class में next topic लेंगे जो कि क्या है, थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करने के बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम लोग कौन सा लेक्चर देखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके.